कहाँ पे हम अलाउंस लोग? के बारे में बता रहे थे कि वो क्या होता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एम्प्लॉयज व्हेन वी प्रोवाइड देम एनी काइंड ऑफ बेनिफिट राइट. उसी को तो अलाउंस कहा जाता है। मीन्स आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द अलाउंसेस, दैट हाउ वट इज अलाउंसेस. यू नो यूजली दैट अलाउंसेज मीन्स दैट दिस इज द वन टर्म दैट यू हैव टू नो बिकॉज यू नीड टू डू द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अलाउंसेज फॉर कंप्यूटिंग सैलरी इनकम. यू नो एंड फॉर दैट रिगार्डिंग राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द अलाउंसेज, दैट वट इज अलाउंसेज. तो सो यू अंडरस्टूड वट इज अलाउंस, वट इज द मीन ऑफ अलाउंस. ओके. अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट एम्प्लॉय, जब हम लोग कुछ पे करते उसको, जो वो उसको जो उसने वो बेनिफिट उसको मिले उसी को अलायंस कहा जाता है। तो करेक्ट. जैसे एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज वैली कर सकता है। एग्जैक्टली इसीलिए आप देखते हैं जो फॉर दिस रीजन ओनली इन नंबर्स ऑफ कंपनी, एक कंपनी में कुछ और अलाउंसेस दिया जा रहा है, दूसरी कंपनी में कुछ और अलाउंसेस दिया जाता है. मतलब हर एक कंपनी का अलाउंसेस अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है. उसके पीछे रीजन यही है. जो कि जो आज आप देखिए एक सिक्योरिटी की कंपनी है, या फिर आप सपोज दैट सेल्स है, तो सेल्स पर्सन को एक डिफरेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं. लेकिन वही अगर एक कंपनी में जहां पे सेल्स पर्सन वर्क कर ही नहीं रहे, तो वहां पे डिफरेंट अलाउंस है. या किसी को डेली अलाउंस मिलता है, मार्केट जा रहा है तो उसको डीए दिया जा रहा है. जब मैं ओएनजीसी में काम कर रहा था, तो मैं नॉर्थ ईस्ट में, मैं ऑलरेडी वहां पे मैं प्लेस्ड था, तो मैं दीमापुर में था, तो मेरे को एनी अलाउंस मिलता था, नॉर्थ ईस्ट अलाउंस दिया जाता था. क्यों दिया जाता था? क्योंकि वो एक मेरा सर्टेन टाइप ऑफ लॉस और एक्सपेंडिचर होता था मेरा वहां पे. तो जस्ट कंपनी हमको हेल्प करती थी, जो कि जो मैं जो मेरा सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है उसको मीटअप करने के लिए. तो सो इन दिस वे डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेज आर यू यू आर गोइंग टू यू नो डिसाइड. एंड अलाउंसेज आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो अलाउंसेज डिसाइड करते हैं एज पर कंपनी नीड. तो आप इसका एक डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूं, जो कि जो आप क्या बोलेंगी, तो अलाउंसेज का सिंपल आप एक लाइन आप लिख सकती हैं, अलाउंसेज आर गिवन टू एन एम्प्लॉई टू मीट अलाउंसेज आर गिवन टू एन एम्प्लॉई टू मीट सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस. ऑल राइट. अब यहां पे एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो कि जो जैसे कि मैं बताया, जो जब भी आप किसी भी कंपनी में आप काम करेंगे, तो वहां पे बहुत सारे अलाउंसेस आपको जो है सो सीटीसी जब आप डिसाइड करती हैं, तो आप इंक्लूड करना पड़ता है. तो जब अलाउंसेज फिक्स करती हैं, तो उसमें सबसे पहले देखना है जो कि जो कौन कौन सा अलाउंसेज मुझे यहाँ पे डालना है, जिससे कि जो हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनका सारे नीड्स मीटअप हो पाए. तो कुछ कॉमन अलाउंसेज हैं, कुछ कॉमन अलाउंसेज है जो कि जो आप इनपुटिंग करते हो. इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बता दूं. मैं जब ONGC और वहां पे बड़ी कंपनी में काम कर रहा था, तो वहां पे कुछ ऐसे भी पोजीशंस थे, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर था, हम साइट पे काम करते थे. मेरा वर्क 3D सिस्मिक एक्सप्लोरेशन का था, तो वहां पे 3D सिस्मिक एक्सप्लोरेशन का वर्क होता था. तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशंस के लिए जो है हम लोग हायर करते थे. अब वो एक एक प्रोजेक्ट मैनेजर की पैकेज जो थी, सो पर एनम का पैकेज था उसका 26 लाख, 28 लाख पर एनम. लगभग हम लोग 2 से 2.5 लाख रुपए का उनका पैकेज होता था. मेरा एक एक्सपीरियंस रहा उसमें, बहुत सारे ऐसे भी थे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, जो अर्पिता बोलते थे, जो कि जो आप सीटीसी मेरा फिक्स हुआ है, मेरी एमडी से बात हो चुकी है, लेकिन अलाउंसेज मैं खुद ही फिक्स करूंगा. उन दिनों में मैं थोड़ा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं था, तो मैं थोड़ा कभी समटाइम्स में सरप्राइज होता था. तो मैं अपने जो मेरे एचआर मैनेजर थे, मैं एमबीए पास किया था, 1-2 साल के बाद ही मैं वहां पे काम कर रहा था, तो मैं अपने सीनियर से पूछता था, जो कि जो सर आखिर ये बताओ, मुझे समझ में नहीं आता है, हम लोगों का काम है अलाउंसेस फिक्स करना, व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजर इज टेलिंग दैट जो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और जब भी अलाउंसेस और मेरा ब्रेकअप डिजाइन करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और उस वक्त में मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे ही तुम्हें अलाउंसेस डालना होगा. तो ये तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि इट इज अनफेयर. तो बोलता था, उस एमडी से डायरेक्टली परमिशन लिया हुआ. फिर जो हम लोग सीएमडी से बात करते थे, सीएमडी बोलता था यस वो बंदा है, उसका और चीज में जो भी निगोशिएबल है, लेकिन वो उसके अपने हिसाब से अलाउंसेज उसका फिक्स करने दे. अब आप सोचिए जो ऐसा क्यों करता था, आप गेस कर सकते हो क्यों ऐसा वो बोलते थे? उसे जिस चीज में जरूरत है वो अलाउंस फिक्स करेगा, जो नहीं जरूरत वो नहीं करेगा। नहीं तो उसको तो पैसा से मतलब है जैसे ना. मेरे अंकल को पेट्रोल अलाउंस होता था तो वो नहीं लेता था। हाँ 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 हाँ
अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या था, सीटीसी का ब्रेकअप हो रहा है, सीटीसी पे जो भी हम डिसाइड करें अलाउंसेस, तो X2G2 पैसा तो मिल ही रहा है उसको। अब जैसे मान लीजिए मैं 2.5 लाख रुपए पर मंथ का मैं पैकेज फिक्स किया था एक प्रोजेक्ट मैनेजर का, हम लोग फिक्स किए थे, हमारे सीनियर फिक्स किए थे, सीएमडी इंटरव्यू लिया था, सीएमडी फिक्स किया था। अब वो उसके बाद हो गया, मैं दीमापुर में जब जाऊंगा काम करने के लिए, तो वहां पे एचआर जो वहां पे बैठा हुआ है उसको आप बोल दो, जो कि जो उसके साथ मैं बैठूंगा तब मेरा डिजाइन करे अलाउंसेस। अब उसको 2.5 लाख तो देनी ही है, चाहे X2 अलाउंसेज, Y2 G2, जो भी दो, वो तो पैसा उसके हाथ में जा रहा है। बट देन ऑल्सो, व्हाई दैट पर्सन इज अ वेरी मच इंटरेस्टेड टू फिक्स अप द